वेल हेलो व्हाट्सअप पीपल, वेलकम बैक टू द चैनल डार्क गेमिंग में आप सभी लोगों का स्वागत है गैंगस्टर वेगस के एक और एपिसोड में। सो आई हैव बीन थिंकिंग, सो फार वी हैव बीन हिटिंग फ्रैंक एट हिज एक्सट्रीमिटीज, मे बी इट्स टाइम वी गो फॉर द हार्ट। आई हैव नेवर बीन टू गुड विद मेटाफोर्स। ओह कम ऑन बॉस्टन, थिंक अबाउट इट, व्हाट्स फ्रैंक्स बेबी? आई डोंट नो, यू कैन बी टॉकिंग अबाउट हिज कैसीनो। डिंग डिंग डिंग, you've won an all expenses paid trip to the City of Saints casino vault. You're kidding? Nope, you're just that lucky. Come on. You want to rob Frank's casino now? Do we even have a plan? I got more than a plan. I got a brilliant plan. So what's this brilliant plan? Well, I have this stripper friend who used to moonlight as a cocktail waitress at the City of Saints casino. After a few gin and grenadines, she leaked the location of the vault key. How does a cocktail waitress know anything about casino security? Let's just say she had access to some sensitive areas. So, once again, welcome back, boys and girls. तो पिछले वाले एपिसोड जितने भी लोग देखे उन लोगों को पता होगा कि आज क्या होने वाला है। सो पिछले वाले लास्ट मिशन में हम किए थे एक फ्रैंक के बंदे को स्टॉक किए थे और उसके बाद ये जो रॉब किए थे ना कल रात, ये जो फ्रैंक के बंदे और फ्रैंक मिलके एक रॉबरी किए थे। सो वो जो पैसा कहाँ पे है वो भी पता चल चुका है और ये मैन जाके लेके भी आ चुका है। अब हम केरन के पास आ चुके हैं और केरन के पास एक बढ़िया सा प्लान है। सो फर्स्ट एपिसोड से जितने भी लोग देख रहे हैं उन लोगों को पता ही होगा कि ये हमारा जो जेसन है और उसके साथ ये जो केरन है, ये दोनों, ये जो फ्रैंक वेलियानो यानी कि एक गैंगस्टर है उसका बड़ा दुश्मन है, मतलब ये दोनों लोग पसंद ही नहीं करते। सो इसीलिए हम अब आ चुके फ्रैंक कैसीनो को लूटने के लिए। Shouldn't we be wearing black or something? Cuz that wouldn't be conspicuous. The key's at the other end of the lobby. Go. तो ऑलरेडी हम तो वार शुरू कर चुके हैं जो कि फ्रैंक वेलियानो को भाई बर्बाद करना है और इसीलिए हम इसके जो कैसीनो है यहाँ पे आ चुके। अरे कंट्रोल्स में भूल गया फिर से, अरे क्या कर दिया भाई। ओके ये दबाना है, कोई बात नहीं, चलो पता चल चुका है। और केरन ने हमें बोला है कि हम फ्रैंक के कैसीनो को लूटेंगे और उसके पास जितने भी पैसे है वो सारे के सारे ले जाएंगे यहाँ से। और फ्रैंक वेलियानो यानी कि गैंगस्टर है, इसका ज़्यादातर इनकम कैसीनो से ही आता है, मतलब कैसीनो जो भी आप कह सकते हैं। सो अब हम इस कैसीनो को लूटने वाले हैं और उसके साथ की एक मैनेजर के पास है तो उसके पास जाना पड़ेगा। सबसे पहले ये जितने भी गुंडे हैं इन सभी लोगों को यानी कि ये बॉडीगार्ड्स हैं, ये सभी लोगों को सबसे पहले ख़त्म कर देते हैं क्योंकि बाद में परेशान करेंगे इसीलिए। और ये देखो इस गेम में असॉल्ट राइफल यानी कि ज़्यादातर मैगजीन किस गन के अंदर रहता है वो बढ़िया है और उसके साथ ये जो शॉट गन रहता है ना वो बढ़िया है इस गेम के अंदर। हाँ इवन आप पैसे दे के थोड़ी बहुत तो हाईटेक डिवाइस खरीद सकते हो यानी कि गन वगैरह, फ्लेम थ्रोवर, उस तरह का डिवाइस खरीद सकते हो। बट हाँ अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप पैसा बिना देके खरीद सकते हो तो मतलब आपको गेम खेलना पड़ेगा, पैसा कमाना पड़ेगा गेम के अंदर, उसके बाद थोड़ी बहुत चीज़ें आप अनलॉक कर सकते हो यानी कि बाई कर सकते हो इसके अंदर। अरे कितना खाएगा मर्जा। ओके यहाँ पे ये जो बंदा मैनेजर जो भी है, सो कैसीनो का मैनेजर है तो इसको मारते हैं और इसका की ले लेते। Your friend's name is Carrie Cantaloupe? You should see her cantaloupes. Let's move. I knew you were worth keeping around. So, चलो हम कैसीनो को लूटने के लिए ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं यानी कि हमारे पास की भी ऑलरेडी आ चुका है यानी कि इस मिशन होने के बाद भाई पक्का हमारे पीछे पुलिस पड़ने वाले हैं। तो लेट्स सी कितने स्टार का पुलिस पड़ेंगे और किस तरह हम बचने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जाते किधर जाना है भाई? ओके इस तरह जाना है और यहाँ से हम नहीं चढ़ सकते तो घूम के आना पड़ेगा वहाँ से। और एक और बात, जितने लोग गैंगस्टर वेगस खेले उन सभी लोगों को पता होगा इसमें 3 से 4 चैप्टर होगा, आई थिंक मोस्ट प्रॉबली आई थिंक 3 या 4 चैप्टर होगा इसके अंदर। और आज हम कंप्लीट करने वाले हैं पहला चैप्टर जो कि लेट्स सी एंड में क्या होता है। सो जितने लोगों को पता नहीं था कि इस गेम के अंदर जो चैप्टर जैसा चीज़ रहता है तो अब पता चल चुका है ना। तो इसी बात पे सब्सक्राइब ठोको। इजी पार्ट हाँ। अबे अभी तक कोई नहीं आया, कोई तो आना चाहिए था। कोई नहीं आया। ओके आ गए आ गए। You're under arrest. You think I won't shoot? चलो ऑलमोस्ट सभी लोगों को मार दिया हूँ, अब ये दो बचे तो लेट्स गो। ओ भाई साहब कतई पुलिस पीछे पड़ गए।
और यार ज़्यादा तो स्टार नहीं है, मतलब 3 स्टार भाई इजीली हम एस्केप हो सकते हैं, क्योंकि भाई जब हम ये करते हैं ना, मतलब बाइक चोरी या कार चोरी करते हैं, तब तो भाई पूरा 5 स्टार और 4 स्टार तक आ जाता है, तब भी इजीली हम एस्केप कर सकते थे। ये तो ईजी है, बच्चों का खेल है। आओ चढ़ जा भाई, जल्दी चढ़ जा। अरे चलना दबा रहा हूँ, चल जा। My bad. Screw perfect. This was just good old fashioned fun. यार तब से दबा रहा था, चल ही नहीं रहा था यार, क्या कर सकते हैं भाई। इस गेम में ना यही दिक्कत है, मतलब कंट्रोलर्स में ठीक से सपोर्ट ही नहीं करता कभी कभार। कभी कभार तो भाई ऑटोमेटिकली वो अपने आप ही गाड़ी टर्न हो जाती है, ऐसा कैसे हो जाता है। हाँ होता रहता है, कोई बात नहीं, चल जाएगा, एडजस्ट कर लेंगे। बस अब यही डर है कि भाई अचानक कहीं पे घूम जाए और पुलिस आके हमें पकड़ दे, सो इसीलिए थोड़ा सा डर है। हाँ कोई बात नहीं, ओ ओ ओ, ओ, ओ। मस्त स्टैंड था, कोई बात नहीं चलो। अरे पीछे हो जा भाई, पीछे हो जा, क्या लेगा भाई पीछे होने को। यार इसके अंदर ना जब मैं दबाता हूँ तब ये रोटेट नहीं करता या टर्न नहीं करता, थोड़ी देर बाद टर्न करता है, मतलब डिले है इसके अंदर। रिपोर्ट करना पड़ेगा रे इसको, मतलब बग को रिपोर्ट करना पड़ेगा। अगर आप जब भी कोई गेम खेलते हो और उस गेम के अंदर कुछ ना कुछ बग आता है ना, सबसे पहले जाओ और रिपोर्ट करो प्ले स्टोर के ऊपर, क्योंकि जब आप रिपोर्ट करते हो उसको आप डेवलपर देखता है और उसको आगे में जो भी अपडेट आता है उसके अंदर वो फिक्स करने का कोशिश तो हो जाता है इसीलिए। तो चलो यहाँ तक तो आ चुके हैं इजीली, और आगे भी बच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ गाड़ी में तो भाई धुआं निकल रही है अभी तक। और ये जो मेरे पास इतने सारे जो किट और आर्मर है ना, ये ईजिली आप ले सकते हो, मतलब कोई डायमंड वेस्ट किए बिना। तो जैसे ही आप रोड में चलते रहते हो और कोई भी आपके सामने जो सिंबल वाला बंदा दिखता है, मतलब सूटकेस सिंबल जो रहता है ना वो वाला बंदा दिखता है, तो भाई उसको मारा और उससे ले लो। और फाइनली हम पुलिस से तो बच चुके हैं, चलो वापस चलते हैं। In all seriousness, if there was ever a chance things would blow over with Frank and his crew, we just kissed it goodbye. Good. If there's anything I love, it's a fight worth fighting. Vera's lucky to have you. And I'm lucky to have you. I mean, you guys, you know, you're good friends. Thanks. Hey, you should stop by the club later. We'll celebrate. I wouldn't miss it. तो हम कजिनों को ड्रॉप कर चुके हैं और उसके साथ एस्केप भी हो चुके हैं, और अब वेरा ने हमें इसके अंदर बुलाया है क्लब के अंदर। Now, Mickey the Wallet was this uppity little punk with a stutter, one arm freakishly shorter than the other. So he decides. Yeah, yeah. Fuck it, let's drink. Yes. Raise him. What's the matter, kid? Come on, Jason, let's celebrate. You need champagne in your mouth and a couple of perky tits in your face. Forget the skanks that work for me. We're taking you to Sensation, my treat. Nope, false. You're already over budget this week. Listen to this one, Jason. Oh, तेरी फ्रैंक के बंदे आ गए। Is that you, Frank? You're forcing my hand here. Out of respect for Johnny, I've tried to keep the peace. Hey, Frank! You picked the wrong team, kid. ये तो बिग स्मोक का डायलॉग कॉपी कर रहा है, यू पिक द रॉन्ग हाउस सीजे बोल के। एंड चलो इन सभी लोगों को मारना है, और मुझे कोई आइडिया नहीं है ये म्यूजिक के ऊपर हमें कॉपीराइट मिल सकता है या नहीं, आई डोंट नो, बट चल जाएगा। तो चलो वहाँ पे चलना है, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पता ही था भाई इस तरह कुछ होना ही है, क्योंकि ये देखो। अरे भाई चलना, क्या कहाँ कहाँ पे अटक रहा है यार जेसन, क्या हो रहा है, चल निकल यहाँ से। ये देखो उतना बड़ा गैंगस्टर का कजिनो रॉब किया है और वो इजीली छोड़ देगा हमें, भाई ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये क्या हो गया इनको, स्टैचू खेल रहा है क्या। तो अभी तक ये पूरा बिल्ड नहीं हुआ है गेम भाई, काफ़ी ज़्यादा ग्लिचेस है। ओ भाई पागल हो गए, लड़की पागल हो गई। Is that the best you got, you ugly bag of spiders?
अगर ये देखो मेरे पास जितने भी है जो वेपन्स है ना, इन्हीं से सबको आराम से मैं मार सकता हूँ। और टेंशन करने की बात ही नहीं है भाई, हमारे पास काफ़ी ज़्यादा आर्मर तो है, और ये दो आर्मर ख़त्म करने तक मैं पूरा इनको टीम को ही ख़त्म कर सकता हूँ। ओके, ये कॉन्वर्सेशन से हमें इतना तो पता चल रहा है कि भाई ये जो फ्रैंक विलियानो है वेरा के पति के साथ काम करता था। ओके, ग्रेनेड दे रहा भाई, इसके पास ग्रेनेड कहाँ से आया? ये तो अपने ही क्लब को उड़ा रही है भाई। हमें कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे बैठना है और ग्रेनेड थ्रो करना है इजीली। बट इसमें एक दिक्कत है ना, ये वहाँ तक तो जा नहीं रही, तो शूट ही करता हूँ। मतलब ये आगे पार्ट तक ही जा रही है ग्रेनेड, वहाँ पीछे तक तो जा ही नहीं रहा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि भाई इसमें कोई इतना कोई तो भाई इंजूर होना ही होगा यहाँ पे, क्योंकि हर एक स्टोरी लाइन में यही होता है, इसीलिए थोड़ा प्रेडिक्ट ईजिली कर सकता है ईजिली। ये देखो यही दिक्कत है, जब भी कट सीन चलता है मतलब अटक जाता है। सो काफ़ी अच्छी तरीके से कवर भी कर रहा है, और या ये दोनों तो भाई यहाँ से निकल गए, बट हमें कौन बचाएगा? भाई साहब रॉकेट लॉन्चर चला रहा है, मर गया भाई जैसा, मर गया। सो यहाँ पे दो लोग इंजूर हो चुके हैं, जो कि जैसन और केरन। केरन तो भाई निकल चुकी है। What's the matter with you, Benny? You bumped your fucking head? I need this kid in one piece. It looks fine to me. Look, see? He's moaning and stuff. Oh, good. You're right. He's okay. Okay, हम अभी तक मरे नहीं है, इतनी जल्दी कैसे मर सकते हैं भाई? And yep, that's it for today, guys. I hope आपको ये वीडियो पसंद आएगा। और यहाँ पे एक ट्विस्ट है, और गैंगस्टर वेगास में चार चैप्टर है, जो कि एक चैप्टर ये था और दूसरा चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो फर्स्ट पार्ट हम ईजिली कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि फर्स्ट चैप्टर हम ईजिली कंप्लीट कर चुके हैं। सो बेसिकली जितने लोग नहीं देखे, जो कि तीन वीडियोस नहीं देखे, और ये फोर्थ वीडियो मोस्ट प्रोबेबली फोर्थ एपिसोड आई थिंक सो। सो उन लोगों को मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि क्या क्या हुआ था। सो सबसे पहले हमारा जेसन है, वो एक बॉक्सर था, प्रोफेशनल बॉक्सर, और हमारा प्रोटैगनिस्ट है वेगास का बड़े गुंडा, जो कि फ्रैंक विलियानो। सो उसने हमारे पास आके अप्रोच किया, जो कि हमें एक मैच में हारना है और उसका जो आदमी है उसको जिताना है। सो उसने बोला था कि हमें चौथे राउंड पे डाउन होना है, बट हम तीसरे राउंड पे ही वो जो ओपोनेंट था उसको डाउन कर दिए। सो अब फ्रैंक विलियानो गुस्सा हो चुका है और हमारे पीछे पड़ चुका है, जो कि इस जेसन को ख़त्म करना चाहता है। और हमें वेरा ने मदद कर रही है फिलहाल के लिए, और ये जो बुड्ढी जैसी थी ना वो वेरा है, और उसके साथ एक लड़की थी उसका नाम केरन है, और एक और मेन कैरेक्टर है जो कि ई मैन, जो कि आई थिंक सेकेंड एंड थर्ड एपिसोड में हम मीट किए थे उसका, अब उसको मीट किए थे, और या काफ़ी अजीब सा बंदा है बट चल जाता है। सो ये जो स्टोरी लाइन के गैप में हम क्या क्या किए हैं कि रॉब किए हैं, काफ़ी सारे रॉबरी किए हैं, जो कि कैसीनो को रॉब किए हैं, और एक ई मैन ने रॉबरी की थी और उसका स्क्रिप्ट चुरा के भाई वो सारे के सारे पैसे भी हम ले चुके हैं, और ई मैन के कुछ बिल्डिंग्स को हम डिस्ट्रॉय भी कर चुके हैं। उसके अलावा हमें काफ़ी सारे कैरेक्टर्स के साथ हमें इंट्रोडक्शन हुआ, जो कि रेसर गर्ल थी वो भी इंट्रोडक्शन हुआ, और एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि ये जो केरन का फ्रेंड थी और हाँ उसी ने हमें ये कोड दिया था ना, जो कि कैसीनो के अंदर घुसने के लिए पासवर्ड सब कुछ। सो या मोस्ट प्रोबेबली इंट्रोड्यूस हो सकती है, और काफ़ी सारे छोटे छोटे फाइट किए हैं, और गैंगस्टर के एक खास आदमी को भी हम मार चुके हैं ऑलरेडी। सो ये जितने भी सीन थे वो सारे के सारे ख़त्म हो चुके हैं, और अब हम सेकेंड चैप्टर के अंदर एंटर होने वाले हैं। तो लेट्स सी सेकेंड चैप्टर के अंदर क्या क्या हो सकता है और क्या क्या हमें मिल सकता है। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, मोस्ट प्रोबेबली आया होगा यार।
क्या कर रहे हो, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो और उसके साथ इस वीडियो को लाइक करो और शेयर करो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। और नेक्स्ट वीडियो आएगा माइनक्राफ्ट के ऊपर, जो कि मोस्ट प्रोबेबली सैटरडे को आएगा, सो वेट करना, आ जाएगा जल्दी। और जितने लोग मेरे चैनल पर नए हैं उन लोगों को बता देता हूँ कि मेरा आया इस चैनल पर जो कि 3 सीरीज स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि ERK, माइनक्राफ्ट और उसके साथ ये जो गैंगस्टर वेगस है, ये 4th गेम स्टार्ट करना चाहता था बट फरवरी में कुछ दिक्कत आ गए थे, सो इसीलिए। और मार्च में भी हम स्टार्ट नहीं करने वाले हैं क्योंकि संडे एक स्पेशल वीडियो आएगा, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं कि क्या क्या हुआ था। और उसके साथ हम मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल को एक नया गेम स्टार्ट करेंगे जो कि बहुत ही कास्ट गेम होगा। एंड यप, दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, मोस्ट प्रोबेबली आपको पसंद आया ही होगा। एंड मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। जाने से पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक मिल जाएगा, जाके ज्वाइन कर लेना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। अगर आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो करना चाहते हो तो सारे सोशल मीडिया का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोगों को जाके फॉलो कर सकते हैं। और काफ़ी सारे लोग मुझे पता है कि यार के स्पैम करने वाले हैं, तो करो भाई, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे जब टाइम होगा तभी मैं ERK का वीडियो लाऊंगा। ये देखो, गैंगस्टर वेगस में कुछ करने का ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्टली आप गेम के अंदर एंटर होते हो, स्टोरी स्टार्ट करते हो और इजीली आप खेल सकते हो, मतलब जल्दी रिकॉर्डिंग हो जाएगा। माइनक्राफ्ट में काफ़ी सारे ऑफलाइन में चीज़ें करना रहता है और उसी के टाइप ERK में भी भाई काफ़ी ज़्यादा चीज़ें करने रहता है। सो पिछले वाले एपिसोड ERK में हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करने वाले थे, सो ऑलमोस्ट मैं सारे के सारे रिसोर्सेस भी कलेक्ट कर चुका हूँ, तो फिलहाल के लिए लेवल का इंतज़ार कर रहा हूँ, जो कि थोड़ी बहुत एक्सप्लोरेशन करके मैं लेवल इकट्ठे कर रहा हूँ, तो थोड़ा वेट करो, आ जाएगा जल्दी। एंड यप, दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में कुछ नए गेमिंग एपिसोड के साथ। अंटिल दैट, टेक केयर, गुड बाय। और मेरे आवाज़ पे मत जाना, थोड़ा गला बैठा है इसीलिए।